हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे अभी 9th और 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्या उनको अभी से जो जेईई और नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनकी अभी से प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर उनको वेट करना चाहिए कि जब वो 11th और 12th क्लास में आएंगे तब अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्पफुल तुम्हारे लिए रहने वाला है, ठीक है। और अगर तुम 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो बच्चों अपने छोटे भाई बहन जो भी है, अपने रिलेटिव्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो पहुंचा सकते हो, क्योंकि गाइड एक कैसे तुम्हें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि तुम्हें अभी से स्टार्टिंग से ही सही गाइड जो वो मिलनी बहुत जरूरी होती है। अपना जो माइंड है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स बेटा इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट जो तुम्हें यहां से इस चैनल से मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो हम बच्चों बात कर रहे हैं कि जो 9th 10th क्लास है वो जेईई की प्रिपरेशन उसको स्टार्ट करनी चाहिए। कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको जेईई या फिर नीट के लिए फोकस जो वो 9th 10th क्लास से कर सकते हैं? तो वो बच्चों है कि अगर मान लो ऑलरेडी एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छे उसके मार्क्स आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो उस बच्चे के लिए ही ऐसा बेनिफिशियल होगा जब वो अभी से IIT और नीट की प्रिपरेशन जो करेगा। जो बच्चा ऑलरेडी मान लो कि वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है या अभी उसका मन नहीं लग रहा है, जैसा भी जो भी हो रहा, तो उसको सबसे पहले अपने 9th और 10th क्लास का जो बोर्ड का है उस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए, पहले उस पर उसको अच्छे से कमांड बनानी चाहिए, उसके बाद में IIT और नीट के बारे में बाद में सोचना है। वरना तो ऐसा हो जाएगा कि बच्चों उसके सोचने के चक्कर में फिर इधर 9th और 10th क्लास जो वो काफी वीक हो जाएगा तुम्हारा। और एक बार ये मान के चलो कि जो 9th और 10th क्लास बेटा वीक अगर हो जाता है तो फिर आगे उसको कवरअप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, समझ रहे हो इस बात को। तो अब इस चीज को समझो कि जेईई और नीट जो है उसमें डिफरेंस क्या है तुम्हारे 9th और 10th क्लास से। एक्चुअल में बेटा अगर तुम समझोगे तो 9th और 10th क्लास में जो तुम्हारे टॉपिक्स होते हैं, काफी सारे टॉपिक्स जो है वो 11th क्लास में भी तुम जाके पढ़ने वाले हो, बस वो क्या होगा उनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा। जैसे यार तुम 9th और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, सपोज अगर हम बात करें मैथ्स की, तो वहां पे तुम क्या पढ़ते हो? क्वाड्रेटिक पढ़ते हो। तो क्वाड्रेटिक में वहां पे सिर्फ क्या पढ़ते हो कि एक इक्वेशन के रूट जो फाइंड करने के क्या वे होते हैं। अब यहां पे जब 11th क्लास में आओगे तो वहां से थोड़ा सा और आगे चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। इसका मतलब कि सिलेबस चीजें जो वो सेम रहती है, चीजें सेम रहने का मतलब क्या है कि उनका बेस जो वो हमेशा वही रहता है। फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस फाउंडेशन को देखो तुम स्ट्रांग कैसे करो, इसका मतलब 9th 10th से IIT या नीट की प्रिपरेशन करने का स्टार्ट करने का मतलब बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम अभी से जेईई की बुक्स वगैरह जो वो सोल्व करना स्टार्ट करो तब माना जाएगा कि तुम उनकी प्रिपरेशन करो, ऐसा बच्चों नहीं होता है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम जिस भी क्लास में पढ़ो, सपोज तुम 9th में हो या फिर तुम 10th में हो, तो तुम्हें पढ़ना वही है। 10th क्लास में तुम जरूर ऐसा कर सकते हो कि 11th क्लास की जो NCERT उसको पढ़ सकते हो, बट अगर मान लो कि तुम 9th क्लास में हो तो तुम्हें 9th का अच्छे से करना है और साथ ही साथ में 10th क्लास का पढ़ लेना। अब पढ़ने में थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो वो चेंज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो बेटा, जैसे 9th और 10th क्लास में क्या होता है कि सिलेबस जो वो लिमिटेड है, आगे जाके सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, लेकिन 9th 10th क्लास में लिमिटेड है कि जितना तुमने पढ़ा है वही एग्जाम में आना है। मतलब एक फिक्स बुक है कि इसी बुक के सारे क्वेश्चन जो वो अपने पास में एग्जाम में आने। तो काफी सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन जो उनको ज्यादातर रटी लेते हैं, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है उसको भी रट लिया। सब करते हैं यार, मैं भी हो सकता है कि अपने बचपन में ऐसे ही करता हूं कि मैथ्स का क्वेश्चन ही रट लिया कि पता है कि यही आना है, ठीक है, लगातार 4-5 सालों से आ रहा है। बट अब तुम्हें उस तरीके को छोड़ना है। अब क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी जो बच्चों इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए होता है वो चाहिए होता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, अब जैसे सपोज तुम 9th और 10th क्लास में कोई भी चीज पढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो, उन छोटी चीजों को बेटा डेप्थ में समझना स्टार्ट करो, उस चीज का लॉजिक समझना स्टार्ट करो कि मैंने अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया, उसका मैंने कोई एक मेथड अप्लाई किया, तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसी मेथड से उसको सोल्व कैसे कर पा रहा हूं, क्या कोई दूसरा मेथड उसका नहीं हो सकता। ये सब माइंड में जब बातें तुम्हारे आना स्टार्ट होगी तो बच्चों अपने आप ही माइंड ओपन होगा, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि यहां पे बच्चा जो बहुत क्यूरियस होता है, बस वो क्यूरियोसिटी जो है वो पढ़ाई के मामले में छोड़ के वो कहीं और लगा देता है, तो इस चक्कर में मामला तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर बच्चों तुम इसी एज में सही डायरेक्शन में अगर अपना फोकस लगाओगे तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब देखो काफी बार तुम देखते होगे, जैसे 11th 12th क्लास के जो बच्चे देख रहे हो, काफी बार तुमने देखा होगा कि जैसे 11th क्लास स्टार्ट होता है तो बहुत सारे तो नहीं होते, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत, जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया उसने तुरंत उसका आंसर जो वो फटाफट से वो बताते जाते हैं। तो ये चीजें कहां से आती है, कहीं ना कहीं
नाइन्थ और टेंथ क्लास में बच्चों वो उन बच्चों ने इतनी मेहनत कर ली होती है कि बेसिक क्वेश्चन जो उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर तुम्हारा बेस जो वो स्ट्रांग हो गया तो फिर जैसे तुम इलेवेंथ क्लास में आओगे तो फिर तुम्हारी स्पीड जो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तुम काफी सारे बच्चे जो कि सिर्फ इलेवेंथ क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनसे ऑलरेडी बेटा काफी आगे जो वो तुम निकल चुके होगे। तो नाइन्थ टेंथ क्लास में बिल्कुल आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन जो तुम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करने का वे मैंने तुम्हें क्या बताया कि स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम वहां पे जेई एडवांस की बुक सोल्व कर रहे हो। तुम्हें सिंपली जिस क्लास में भी तुम हो उस क्लास का अच्छे से करना है। अब अगर मान लो कि नाइन टेंथ क्लास में तुम हो तो साथ साथ में बेटा जो भी तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एक एग्जाम है एनटीएससी, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो तुम अच्छे से करो। इसका फायदा क्या होता है कि अभी से तुम्हें एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने का माहौल जो है वो तुम्हारे लिए सेट हो जाता है। फिर जब तुम ट्वेल्थ क्लास में जाके जब जेई का एग्जाम देते हो तो फिर तुम्हारे लिए वो थोड़ी नई चीज नहीं रहती कि तुम पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट बन रहे हो, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब अगर मान लो कि तुम एनटीएससी की प्रिपरेशन बच्चों कर रहे हो तो एनटीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आगे तुम्हें आईआईटी में भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया एक क्वाड्रेटिक हो गया, फिर उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एनटीएससी में या नाइन्थ टेंथ लेवल के में तुम क्या पढ़ते हो, एपी पढ़ते हो बस। अब जब आगे 11, 12 में आओगे तो वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और होगा। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हें 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हो तो बेटा जब तुमने एपी पढ़ा तो इसके साथ साथ में तुम जीपी पढ़ सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ सकते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 5-6 चैप्टर बेटा ऐसे कि जब तुम 11th क्लास में आओगे तो उससे पहले ही उनको पूरा का पूरा पढ़ तुम सकते हो। एक हो गया जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे जो 9th 10th क्लास में बच्चा एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पे उसको ज्योमेट्री जो उसकी काफी स्ट्रॉन्ग वो कर सकता है वहां पे, ठीक है। ज्योमेट्री काफी स्ट्रॉन्ग करने का बच्चों तुम्हें फायदा जो डायरेक्टली 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। तो यहां से तुम एनटीएससी के लिए भी जरूर प्रिपरेशन करना बच्चों, 9th क्लास में हो 10th क्लास में हो, तो इसके लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो काफी तुम्हें एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने का माहौल तुम्हारे लिए जो सेट हो जाएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है हार्ड वर्क। बेटा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें चाहिए, साथ में हार्ड वर्क लगातार करना पड़ेगा। देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, अगर तुम अभी से 9th 10th क्लास से थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करना स्टार्ट करोगे तो 11th 12th क्लास में जाके तुम्हें कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्टली 11th क्लास से मेहनत करना स्टार्ट करोगे, जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अब से लेके लास्ट तक थोड़ी थोड़ी मेहनत जो वो करते हो या फिर 11th 12th क्लास में जाके एक साथ से ज्यादा मेहनत करते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम्हारा दिमाग एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचता है तो यही सोचेगा कि अभी से प्रिपरेशन जो बच्चों थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखो प्रिपरेशन में क्या होता है कि तुम 10th क्लास में अगर हो तो अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब मॉक टेस्ट में तुम्हारे साथ काफी बार ऐसा भी होगा कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मार्क्स जो वो नहीं आ रहे। तो बेटा हार्ड वर्क के साथ साथ में ऐसा कि हार्ड वर्क कर रहे हो बट वो लंबे टाइम तक करना होता है। काफी बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन इंस्टेंटली उनको रिजल्ट्स नहीं दिख पाते तो वहां से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बच्चों सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क जो तुम कर रहे हो उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए करो, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में जाके तुम्हें जरूर उसका रिजल्ट देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं मिले, समझ रहे हो। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना कि साथ साथ में तुम 10th क्लास में तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट एनटीएससी से रिलेटेड दे सकते हो या फिर और भी बाकी के जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वो बेटा तुम 10th क्लास में पढ़ सकते हो, वहां से कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगी। तो छोटी छोटी चीजें जो 11th 12th क्लास में आएंगी वो तुम अब पढ़ सकते हो। जैसे ऑब्वियसली बात है कि 9th 10th क्लास में जैसे मान लो कि तुम केमिस्ट्री में बोर मॉडल जो पढ़ने वाले हो, ठीक है, बोर मॉडल पढ़ते हो। अब वहां पे क्या कि बोर मॉडल जो वो एक छोटे लेवल पे है, वहां पे तुमने जैसे डेफिनेशन रेडली 9th 10th क्लास में और वो लिख के आगे मार्क्स मिल गए। बट अगर तुम्हें रियल में अभी से अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर अभी से ड्रीम है कि तुम्हें आगे जाके जेई या नीट देना है तो अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज क्या लाना है उस चीज को समझना कि जैसे बोहर मॉडल तुम वहां पे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बोहर मॉडल तुम्हें कंप्लीटली पढ़ना है। अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर या तुम जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे अगर तुम्हें पूरा नहीं पढ़ाया जाता, ऑब्वियसली बात है कि यार वो तो पूरा नहीं पढ़ाएंगे, उनको तो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन जो वो करवानी है तो उस लेवल तक का पढ़ाते हैं। बट यूट्यूब पे तुम अपना कॉन्टेंट देख सकते हो, एटीपी स्टार की ऐप पे बच्चों ये ऐप है, तो जो बच्चे नए हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से भी तुम्हें काफी सारा कॉन्टेंट जो फ्री मिलेगा।
और ऑब्वियसली बात है कि अब आगे आने वाले टाइम में भी हम एनटीएससी या जो भी तुम्हारे लेवल के 9th 10th के एग्जाम है उनके बारे में तुम्हें गाइड जो वो लगातार करते रहेंगे, काफी एक्सक्लूसिव वीडियो जो वो तुम्हारे लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जो भी 11th 12th या ड्रॉपर के बच्चे जो लगातार इतने दिनों से एटीपी स्टार को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम भी बच्चों अपने जो भी तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं उनको जरूर गाइड करना इस एटीपी स्टार चैनल के बारे में, उनको बताओ कि कितना बेनिफिशियल है। अगर अभी से तुम एटीपी स्टार के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो सोच सकते हो कि 4 साल के बाद में, अगर अभी तुम 9th क्लास में, तो 4 साल के बाद जब जेई या नीट का एग्जाम दोगे तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन का लेवल होगा वो बच्चों बाकी बच्चों से काफी अलग ही लेवल होने वाला है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे जो टॉपर होते हैं वो बच्चों 9th और 10th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट में मैं तुम्हें कंक्लूड जो वो सिर्फ इतना ही बच्चों, लास्ट में अगर कंक्लूजन मैं तुम्हें बताऊं तो बिल्कुल 9th और 10th क्लास में तुम्हें प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी चाहिए। बट अचानक से ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस की बुक तुम्हें उठा ली, उसमें तुम्हें लेवल टू लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने जो बोर्ड के एग्जाम है या फिर बोर्ड की जो बुक्स है उनमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, उसके बाद में जो तुम्हारे लेवल के एग्जाम है उनकी तुम प्रिपरेशन अच्छे से करो, उसके बाद में बच्चों तुम 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसकी एक एक लाइन को अच्छे से रीड करो, इतना सफिशियंट है। ऐसा करते ही तुम जैसे 11th क्लास में आओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बेटा बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो बाकी और भी अगर मान लो कि तुम्हें इनसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टार्ट करें, तो इससे रिलेटेड बच्चों तुम एटीपी स्टार में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मेरे से पर्सनली पूछना चाहो तो पर्सनली भी बच्चों तुम इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी पूरी हेल्प जो वो की जाएगी। और इस चैनल पे आगे भी इस तरीके की गाइडेंस जो बच्चों तुम्हें मिलती रहेगी कि प्रिपरेशन जो उसको तुम्हें कैसे आगे लेके जाना चाहिए, और जो एक्सक्लूसिव कंटेंट के वीडियोस हैं वो भी लगातार यहां पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना है, नए बच्चे हो 9th 10th क्लास का कंटेंट तुम्हें यहां पे जरूर मिलेगा। बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन है उसको बच्चों ऑन रखना है, जैसे वीडियो आए तुरंत सबसे पहले तुम उसको देखो, ठीक है। तो ये सभी उन 9th 10th क्लास के सभी बच्चों तक बच्चों तुम्हें पहुंचाना है, अगर तुम 11th 12th तो ड्रॉपर में हो तो सारे बच्चों तक इस चीज को पहुंचाना है, इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो इसका फायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।